on U.S. citizen here in New York and also in Canada. So do you think that any foreign country can? I'd have to refer you to DHS or DOJ for any questions on that. Thank you. तफसील में जाओ तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने को दिल करता है. एक तस्वीर है. इनको एक तो शौक बढ़ा है अपनी तस्वीरें छपवाने का. लेकिन अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने इस पत्रकार को जो जवाब दिया वो 440 वोल्ट का झटका था. हमने एक बेहिस किस्म के बिल्कुल ही गए गुजरे से लोग हैं. लेकिन उन इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ट्वीट्स में बहुत फर्क है. उन्होंने डायरेक्टली इंडिया वालों ने बोला है उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप किया है. मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी नहीं दूंगा जो वेरीफाइबल ना. बीबीसी को एक बंदे ने वहां से स्टेटमेंट दी है कि हमने उस बंदे को गन लेकर छत पे चढ़ते देखा है और पुलिस को इन्फॉर्म किया लेकिन पुलिस ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया. जय हिंद दोस्तों. तो आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया और हमेशा भारत को नीचा दिखाने के लिए ग्लोबल फोरम पे जहां पे भी कुछ ऐसी बातें या कोई घटना होती है वहां पे भारत को रिलेट करने की कोशिश करती है किसी भी इंसिडेंट से. इसी प्रकार कुछ दिनों पहले जहां पे राष्ट्रपति जो उम्मीदवार है और पूर्व राष्ट्रपति है यूएसए के उनके ऊपर में जो कातिलाना हमला हुआ किसी हमलावर ने उनको गोली मारने की कोशिश की जो उनके कान को छू के निकल गई गली मतलब वहां पे उनको कुछ नहीं हुआ. और इसमें जो प्रेस वार्ता चल रही थी पेंटागन में वहां पे प्रेस सचिव से एक सवाल पूछा गया पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा कि क्या कहीं पे इसका लिंकअप जो है भारत से तो नहीं है. हालांकि ये डायरेक्टली तो नहीं पूछा उन्होंने लेकिन उन्होंने ये जो है इसको रिलेट किया कनाडा में जो हमले हुए थे कनाडा में जो वहां के कुछ जो सिटीजन थे हालांकि वो आतंकवादी गतियों में लिप्त थे उनका जो हत्या हुई उसको रिलेट करते हुए उन्होंने कहा था कहीं इसमें किसी एजेंसी का तो हाथ नहीं है या फिर कुछ ये नहीं है. डायरेक्टली नहीं था लेकिन फिर भी पाकिस्तान अगर कुछ कह रहा है तो उसका लिंकअप भारत के साथ में हमेशा किया जाता है और हमेशा भारत को लेके वो अपने सवाल जवाब जो भी है उसमें वो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं. हालांकि पेंटागन में वहाँ पे जो प्रेस सचिव है पेंटागन के उन्होंने क्लियर कर दिया इन सब चीज़ों को और पाकिस्तान की वहाँ पे फजीयत होगी या फिर हम कह सकते हैं उसकी की इंसल्ट होगी. हालांकि उनको इंसल्ट का कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हमेशा उनकी इंसल्ट कहीं ना कहीं होते रहती है. उनको मतलब इंसल्ट इज लाइक देयर डोज उनको हमेशा मेडिकल डोज की तरह है. उनको दिन में एक दो बार तो चाहिए चाहिए तो वो हमेशा कराते रहते हैं. और हम हमेशा सोचते हैं कि पाकिस्तान अपने लिए अच्छा करे पर अपने लिए अच्छा करने से ज़्यादा हमेशा सोच रहा था कि वो भारत का कहाँ पे बुरा होता है. तो चलो ऐसे कर करके तो वो अभी भी आगे बढ़ नहीं पाया और वहाँ पे आतंकवादी हमले हमेशा होते रहते हैं. उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यूएसए ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया है. पेंटागन की तरफ से ये कहा गया है और इसका जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान का उसको चलने दिया है वहाँ पे. ये हमारे विदेश नीति की काफ़ी बड़ी सफलता है कि भारत तो कहीं पर भी कोई गलत कहने से पहले 100 बार सोचता है. और भारत जो है उसकी विदेश नीति इतनी स्ट्रांग है फिलहाल के इसमें जहाँ पहले कहा जाता था कि अगर कोई यूएसए के साथ में रहता है तो रशिया के साथ में संबंध नहीं बना सकता और जो रशिया के साथ में वो यूएसए के साथ में अच्छे से रह सकता. भारत की जो विदेश नीति है फिलहाल इस तरीके से चल रही है कि भारत रशिया और अमेरिका दोनों से काफ़ी अच्छे संबंध मेंटेन करके चल रहा है. हर लेवल पे वो सामरिक हो जाए वो व्यवहारिक हो जाए व्यापारिक हो जाए सारे संबंध भारत के जो रशिया और यूएस के साथ में वो हमेशा से वैसे ही चलते आ रहे हैं अभी और वैसे ही चलते रहेंगे. और पाकिस्तानी मीडिया में इस बारे में क्या बातें चल रही है चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं. वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए कि आप पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडाज होते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं क्या हमें कमेंट में जरूर बताएं. और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. जय हिंद जय भारत. आपने यूनिटी का पैगाम दिया है लेकिन लगता यह है कि जो पिक्चर है पूरी दुनिया जो देख रही है वो थोड़ी कंफ्यूजन की सिग्नल है. एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है उस पर भी बात करें और ये जो विस्कॉन्सिन में आप मौजूद हैं इस पे जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को जो है पिक किया गया है इसके बारे में प्लीज कमेंट करें. चीमा साहब मैंने थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा. जिस दिन डिबेट हुई थी तो जिस दिन हमारे बाइडन साहब जो थे वो पूरा फिक्र मुकम्मल करने से कासर थे तो मैंने सुबह कहा था कि आज ये एक नेशनल ट्रेजेडी है कि प्रेसिडेंट पुतिन भी इस चीज को देख रहे हैं और प्रेसिडेंट शी भी इसको देख रहे हैं. उसके बाद समिट हुई यहाँ पे तो वहां पे उन्होंने 6 शहरों को शाम को रशिया ने यूक्रेन पे बम मारे. चाइना जो है वो बेलारूस के अंदर चला गया और उसी समिट के इख्तिताम पर हमारे जो मोहतरम बुजुर्ग सदर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट रुरास्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया. नेटो परेशान है साउथ कोरिया परेशान है क्योंकि पुतिन और नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से वो लवी डवी हैं. तो आज बिल्कुल इस वाकये के बाद ना सिर्फ आज आधा अमेरिका मेरे जैसे मैं आज यहां बैठा हूं यहां अभी भी मैं खतरे में बैठा हूं वो भी बताता हूं क्यों खतरे में बैठा हूं. बाहर निकलता हूं तो क्या है
सोचें कहां हैं, अमेरिका कहां है। जो अटेम्प्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर, दुख वाली बात है कि 130 यार्ड से हुई है, 130 यार्ड से उस अटेम्प्ट का करना पूरे अमेरिका के मुंह पे तमाचा है, पूरे मुंह पे, सिस्टम नहीं पूरे सिस्टम। और सवाल का निशान यहां से बनता है कि वो बच्चा 20 साल का 130 यार्ड पे पहुंचा किस तरह है। फिर वहां पे दो वाक्यात और हुए हैं कि बीबीसी के, बीबीसी ने एयर किया है, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी नहीं दूंगा जो वेरीफाइबल ना। बीबीसी को एक बंदे ने वहां से स्टेटमेंट दी है कि हमने उस बंदे को गन लेकर छत पे चढ़ते देखा है और पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर जो ऊपर शार्प शूटर बैठा था, ऊपर जो शार्प शूटर बैठा था उसने उसको निशाने में ले रखा था, लेकिन उसने अपने पीछे ऑफिसर से उसको शूट करने की इजाजत मांगी और 3 मिनट शूट की उसकी मिनट इजाजत, उसको परमिशन 3 मिनट बाद मिली और उसकी इजाजत उसने तब दी जब उसने पहला फायर खोल दिया था। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका कद 6 फुट है, उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले थे उसमें ज्यादातर लोगों के कद 5-5 फुट है। एक खातून को ट्रक के बिल्कुल सामने देखा गया जिसका वजन 300 पाउंड है, उसका वो जो अब अपनी गन को वापस अपने उसमें होल्स्टर में डाल रही थी तो वो वापस जा रही, उसका पेट आगे आ रहा था। और सीक्रेट सर्विस की जो हेड है वो उसके बारे में, उसका जब लोगों ने गूगल करके या सारा कुछ निकाला, बल्कि इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है, वो पेप्सी कंपनी से, पेप्सी से आई है। इलॉन मस्क का ट्वीट ये था कि ये प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने से पहले पेप्सी कोला वालों के चीटोज के चिप्स जो प्रोटेक्ट करती थी, ये ट्वीट था इलॉन मस्क। उसके बाद जब इस पे गुफ्तगू हो रही है तो कंपैरिजन किया गया है प्रेसिडेंट पुतिन के सिक्योरिटी स्क्वाड के ऊपर। आज तक 40 अटेम्प्ट हो चुकी है इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन को मर्डर करने की, 40 मिनट, और एक भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनका इंचार्ज ओबामा नहीं है, उनका इंचार्ज बाइडन नहीं है। डाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटी हर चीज के अंदर डाइवर्सिटी लाई जाए चाहे मुल्क तबाह हो जाए। और आज किसी सेनेटर ने भी कहा है कि जब हर चीज के अंदर DEI लगाया जाएगा फिर कंट्री भी DEI ही बनेगा, ये इसकी सूरत है। मैंने कल एक जगह पे इंटरव्यू दिया है, उस पे मैंने थोड़ा सा उनको मैंने बल्कि अभी पंजाबी के अंदर हथौड़ा रखे। टीमा साहब, जब आप अपने एक एक्स प्रेसिडेंट को, अपने एक मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जब आपने फ्यूचर के प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत ना रखते हो तो फिर आप दुनिया को भाषण नहीं देते हैं। फिर दुनिया को यह कहने की आपके पास कोई राइट नहीं है कि डोंट टेक अमेरिका फॉर ग्रांटेड। आपके पास है क्या जो ग्रांटेड किसी ने लेना है, तो बताए ना आपके पास है क्या दुनिया को देने के लिए, क्या दे सकते हैं आज। हाँ, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा इनके हालात क्या है। जिस स्टेट से मैं जाया हूं चिम्मा साहब, इनको वहां पे ग्रेजुएट नहीं मिलते सरकारी जॉबों के लिए, इन्होंने कई जॉबों से ग्रेजुएट की कंडीशन खत्म कर दी। चिम्मा साहब, फेडरल गवर्नमेंट ने जहां बैचलर डिग्री चाहिए थी उसका स्टैंडर्ड लो कर दिया है, क्योंकि अमेरिकन बच्चों को अब बता दिया गया है कि मैथ रेसिस है, क्योंकि हमारे जो अफ्रीकन अमेरिकन काले हैं वो मैथ नहीं पढ़ सकते, कहते मैथ ही रेसिस है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं।